बोलते हैं, खर्रा बोलते हैं, कोई हमारा खर्चा नहीं चला रहा है, यूट्यूब पे है, और यूट्यूब पे नहीं थे उससे पहले हमारे हस्बैंड ऑटो चला रहे थे। ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो या तो उनके चैनल पे स्ट्राइक मारा जाता है, या तो उनकी वीडियो ब्लॉक करी जाती है, या तो उनके घर पे ही कुछ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही हुआ है, पहले अमरनाथ का चैनल पे स्ट्राइक आया, स्ट्राइक बेचारे ने ठीक करवाया, घर अमरनाथ ने बनवाया, वहाँ पे पूजा पाठ किया, प्रिया का बर्थडे किया, किसी को देखा नहीं गया कि लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से बस फिर ये एक जाल बुन दिया गया कि ऐसे कर देंगे, जब ऐसे अल्ट्राई रहेगी, पागल बनी रहेगी, तो कुछ हो नहीं पाएगा इन लोग का। लेकिन इतना ध्यान रखो, जिसके साथ भगवान होता है ना, नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसके उसका भगवान होता है। समझ में आया? हमारी YouTube फैमिली, आप खुद ही दिमाग लगाइए कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है, तो यानी कि साफ साफ पता चल रहा है किसी ने किया, किसी का किया धरा है। और किसने किया धरा है, ये जो उनके घर पे आई थी, कोई लेडीज थी उनके घर पे आई थी। बाकी का वीडियो फुल देखिएगा, हम कुछ क्लू बताएंगे, आप लोग बाकी का उसको समझ जाइएगा। और बाकी का खैर तो नहीं है, जिसने ऐसा किया है ना उसकी खैर तो नहीं है, बस पता चल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जो कि राधा सुबह से गुस्सा कर रही हैं, कल से ही गुस्सा कर रही हैं, क्या बताएं, कह रही हैं मिलवाने के लिए, और जो कि अब अगला आदमी परेशान है, इधर उधर लेके दौड़ भाग कर रहा है, तो कहाँ से मुलाकात हो पाएगी, और आज भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जो कि देख सकते हैं राधा हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बोला दोस्तों, कल से ही कह रहे हैं ले चल के वहीं पे मिलवा दो, जहाँ पे है वहीं पे एक बार दिखवा दो, सामने से देखना चाहती हूँ। दोस्तों क्या बताएं, और लेकिन नहीं दिखवा रहे हैं। और आज सुबह फ़ोन की, हम लोग सोचे कि 6 बजे यहाँ से चलेंगे, प्रिया को देख लेंगे, फिर 6 बजे के बाद खलीलाबाद चले जाएंगे। तो ये बोल तो फ़ोन की अमरनाथ के पास, तो बोले कि भैया हम बनारस जा रहे हैं। तो हम लोग बोले ठीक है जाओ, पहले ठीक हो जाए, उसकी मिल तो बाद में भी लेंगे, लेकिन पहले ठीक हो जाओ कैसे भी। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे रमाकांत भैया का बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे भैया, क्योंकि अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। और आज इवेंट भी है जो कि अपने बर्थडे के मौके अवसर पे रमाकांत भैया, जेपी भैया ने मिल के रखा है कि जितने लोग उनके ग्रुप से हैं, जितने लोग हैं, सबको सम्मानित करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक जेब परिवार को अपने बर्थडे वाले दिन सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोग आएंगे, बहुत ही सारे यूट्यूबर आएंगे। तो सबसे पहली बात, आप सभी साथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग बैड कमेंट मत करिएगा कि प्रिया की तबीयत ख़राब है, आप लोग पार्टी मना रहे हैं ये वो। तो देखिए, पार्टी पहले से डिसाइड कर लिया गया था, वो सब आने वाले थे, सब अमरनाथ खुद आने वाले थे, प्रिया अमरनाथ खुद आने वाले थे, क्योंकि हमने खुद देखा था प्रिया अमरनाथ का, वो भैया ने बना के भेजा था अवार्ड पे, तो मैंने खुद देखा था। लेकिन फिर ऐसे हालत है तो वो लोग तो नहीं आ पाएंगे, तो बाकी के जो लोग हैं वो लोग तो आएंगे ही आएंगे। देखिए सब, मान लीजिए किसी के घर में भी कुछ पड़ा है तो भाई वो तो अपना देखेगा ही देखेगा। तो इसी तरीके से अमरनाथ अपना देख रहे हैं, और बाकी का हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ से जैसा होगा वैसा जाएंगे। और क्या बताएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सुनाई में ऐसा आ रहा है कि अमरनाथ के घर पे कोई लड़की चाहे लेडीज आई थी, 3 दिन रही थी, 3 दिन के अंदर ही उसने ऐसा कुछ कांड किया है। तो अगर तुमने किया है तो तुम्हारी तो खैर नहीं है, अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो। अगर देखो आपने किसी के हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसी छेड़खानी करी है तो उसको समय से ही आप सही कर दो तो अच्छा है, अगर ऐसा कुछ है तो आप ठीक कर दो तो अच्छा है। नहीं तो आपको पता है प्रिया प्रेग्नेंट है, अगर ऐसे ही एक आध हफ्ते रहेगी तो उसके बेबी पे भी दिक्कत आ सकती है, प्रिया पे भी दिक्कत आ सकती है। कुछ खा पी नहीं रही, हर एक चीज उनको बताया जा रहा है, यहाँ तक कि अमरनाथ बता रहे हैं कि बाथरूम के अंदर जाने तक का भी ही सब चीज बताया जा रहा है। तो इतनी समय अमरनाथ के दिल पे जो बीत रहा है ना, अगर सही कर पहले से सही हो गया तो ठीक है, तो अमरनाथ आपको माफ कर देंगे। लेकिन अमरनाथ के दिल पे जो बीत रहा है ना, अमरनाथ तुमको कभी जिंदगी में नहीं माफ करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, इतना ध्यान रखना। क्योंकि तुमने हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसा किया है ना, भगवान तुमको कभी माफ नहीं कर देगा। अमरनाथ माफ कर देंगे, पूरी YouTube फैमिली माफ कर देगी, लेकिन भगवान तुमको कभी जिंदगी में नहीं माफ करेगा, इतना सोचना ठीक है। पहली बात, सारा मानी चाहिए, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि वो औरत पेट से है, डिलीवरी से है, उस पर मैं क्या करूँ, इतना नहीं दिमाग आया। पर कोई दुश्मनी भी नहीं था, पता नहीं, वही होता है ना कि दुश्मनी नहीं, बस ये आगे नहीं बढ़ने देखना चाहते हैं दोस्तों एक दूसरे को। अभी हम ही हैं,
हम ही यहाँ देखिए हमको देखिए हम जो बोलते हैं खर्रा बोलते हैं, कोई हमारा खर्चा नहीं चला रहा है, यूट्यूब पे है, और यूट्यूब पे नहीं थे उससे पहले हमारे हस्बैंड ऑटो चला रहे थे, ठीक है, किसी ने खर्चा नहीं चलाया, यहाँ तक आए तो मेहनत से आए हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी, जो कि जो लोग बोलते हैं कि हमारा देना है, हमारा देना है, यहाँ तक सब आ गए, इसके लिए मैं एक और वीडियो डालूंगी, वो आप लोग देखिएगा, अभी नहीं, थोड़ा ये सब कुछ ठीक हो जाए, इस मैटर पे एक वीडियो डालूंगी। मैंने बहुत दिन से सोच रखा है, बहुत लोगों ने मुझसे बोला भी है कि लोग ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तो इस टॉपिक पे एक वीडियो डालना है। और हाँ, ये एक बात ये भी कहना चाहते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा देना है, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, अभी नहीं, हम अगले वीडियो में नहीं, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं ना, तो अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो आप हमको खाने को देंगे नहीं। और मैं एक बात और बता दूं, देखिए ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो या तो उनके चैनल पे स्ट्राइक मारा जाता है, या तो उनकी वीडियो ब्लॉक करी जाती है, या तो उनके घर पे ही कुछ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही हुआ है, पहले अमरनाथ का चैनल पे स्ट्राइक आया, स्ट्राइक बेचारे ने ठीक करवाया, घर अमरनाथ ने बनवाया, वहाँ पे पूजा पाठ किया, प्रिया का बर्थडे किया, किसी को देखा नहीं गया कि लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से बस फिर ये एक जाल बुन दिया गया कि ऐसे कर देंगे, जब ऐसे अल्ट्राई रहेगी, पागल बनी रहेगी, तो कुछ हो नहीं पाएगा इन लोग का। लेकिन इतना ध्यान रखो, जिसके साथ भगवान होता है ना, नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका साथ भगवान होता है, समझ में आया? तो इस चीज से तुम बेफिक्र रहना कि तुम प्रिया का बाल भी बांका कर सकती हो, ठीक है, उसके साथ उसके साथ कुछ नहीं कर सकती हो, वही बोल रही हूँ, प्रिया का बाल, ये कुछ भी मत सोचो कि प्रिया का बाल बांका भी तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि उसके साथ अमरनाथ है, और अमरनाथ के साथ पूरी यूट्यूब फैमिली है, कभी जिंदगी में अमरनाथ के और अमरनाथ के परिवार के ऊपर खरोच नहीं आने देगी। कम से कम अमरनाथ की मम्मी को देख के तो दया खाओ, अमरनाथ की मम्मी को तो देख के दया खाओ, कैसे रो रही है, इतना तो कोई अपनी सगी बेटी के लिए नहीं रोएगा जितना अमरनाथ की मम्मी रो रही है, सही बताइए, बहू के लिए अपनी जान दे दे रही है अमरनाथ की मम्मी रो रो के, कह रही थी कल ऐसी सास मैंने जिंदगी में पहली बार देखी, हकीकत बता रही हूँ, और हम लोग को किसी का वीडियो देख के नहीं अफसोस हो रहा है, सिर्फ अमरनाथ की मम्मी का वीडियो देख के अफसोस हो रहा है। कल वीडियो में देखा था ना कि पैर ऐसे धो रही थी, तो कह रही थी ऐसे छू रहे थे तो छूने, कभी जिंदगी में प्रिया अपनी सास से पैर नहीं छुआई थी, लेकिन कल जब छू रही थी तो एक बार प्रिया कुछ रिएक्शन ही नहीं ले रही है, वही सोच सोच के और रो रही थी अमरनाथ की, हमारा दिल किसी से नहीं पिघल रहा है, और ये जो लोग ड्रामेबाज है ना, हमारा दिल किसी से भी नहीं पिघल रहा है, सिर्फ अमरनाथ की मम्मी के रोने से पिघल रहा है। लोग जो ड्रामेबाज है ना, ड्रामा कम करिए, ठीक है, जिस दिन तुम्हारे पे पड़ेगी ना, उस दिन समझ में आ जाएगी, उसका तो फिर खैर नहीं है। पहली बात देखिए, जो लोग सोच रहे है ना कि अरे ब्यूज के लिए हो रहा है, अगर ब्यूज का खिलवाड़ होता ना, तो अमरनाथ इतना व्यूज के लिए गिरा नहीं है, ठीक है, अमरनाथ के चैनल पे अगर अमरनाथ एक वीडियो ऐसे ही डाल देना किसी भी टॉपिक पे, तो अमरनाथ ही चलता है, व्यूज की उसके पर था लग जाएगी, लेकिन ये चीज वो शेयर नहीं करना चाह रहा था यूट्यूब पे। मैं आप लोग को बताती हूँ, ये चीज अमरनाथ यूट्यूब पे शेयर नहीं करने वाला था कि प्रिया की ऐसी हालत है, लेकिन अगर अमरनाथ ये चीज नहीं शेयर करता तो कल को अमरनाथ को ही आप ही लोग बोलने लग जाते कि अगर जब ऐसा मैटर था किसी ने करा धरा तो आपने एक भी वीडियो क्यों नहीं डाली। तो इसलिए अमरनाथ ने वीडियो डाला, क्योंकि अगर अमरनाथ ने सोचा अगर एक दो घंटे में ठीक हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरे 24 घंटे से ऊपर हो गए तब अमरनाथ ने वीडियो डाला कि मुझे अपनी फैमिली को बताना चाहिए, जो फैमिली हमारे ऊपर विश्वास करती है, ठीक है। तो ऐसा किसी के साथ भी होता है, तो आप लोग ये मत सोचो कि ये ठीक हो जाएगा, इसको अच्छे से दिखाइए सुनाइए, क्योंकि अगर देखिए डॉक्टरी नहीं करवाए होते अमरनाथ तो हम लोग अमरनाथ की गलती देते। पर यार उस महिला को देखो, एक महिला और महिला का यार खुशी नहीं देख पाए, बताओ। मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात चाहे किसी को बुरी लगे चाहे कड़वी लगे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई आगे बढ़ता है ना तो अपने ही लोग होते हैं जो पिन कोचने वाले होते हैं, अपने ही लोग होते हैं जो पिन कोचने वाले होते हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो में इतना भी क्लू दे रही हूँ कि अगर गोरखपुर के अंदर कोई आगे बढ़ के दिखा देना तब मेरा नाम बदल देना, ठीक है, क्योंकि एक मालती और विष्णु ही थे जो पूरे यहाँ गोरखपुर से लेकर संत कबीर नगर तक आगे थे, और उनके अलावा अगर कोई और आगे बढ़ जाए ना कभी जिंदगी में तो मेरे से मिल लेना आके, क्योंकि आप लोग बोलिएगा कि राधा भाभी गलत बोल रही है, ठीक है, चाहे राधा दीदी चाहे कुछ भी बोलिएगा, आप लोग आके मुझसे मिल लीजिएगा कि हाँ आप सही कह रही थी कि कोई अगर आगे बढ़ेगा तो कोई आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। एक मालती विष्णु था कि यहाँ तक बढ़ गए थे, लेकिन अब कोई गोरखपुर में आगे बढ़ के दिखा दे तो हम लिखित दे देंगे कि कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कितना भी मेहनत कर लोगे ना आप आगे नहीं बढ़ सकते, या तो आपके चैनल पर स्ट्राइक जाएगा, या तो आपका चैनल हैक कर लिया जाएगा, या तो आपका चैनल खा लिया जाएगा, ये चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। हमसे पूछिए, हम जो बोलते हैं खर्रा बोलते हैं, बाकी का कोई खर्ची नहीं चलाने आ रहा है। मैं यही देख रहा हूँ यार, क्या बताया जाए, सबसे ज्यादा तो कल मेरे पास एक लेडीज फोन करी, सबसे ज्यादा तो मेरे गोरखपुर में ही स्ट्राइक का ही खेला हो रहा है। कल हमारे पास एक गोरखपुर इधर से फोन करी, कौन थी, चलो छोड़ो जान दो, मतलब हम पूरा शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस हल्का सा क्लू बता देते हैं, प्रिया की भाभी थी, तो उनकी बेचारी के चैनल पे स्ट्राइक आया हुआ है, तो वो भाभी थी
अरे सॉरी 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 प्रिया नहीं, प्रीति की भाभी। तो उनके चैनल पे स्ट्राइक काफ़ी दिन पहले आया था, लेकिन अभी तक वो स्ट्राइक नहीं हटा, उन्होंने चैनल अपना संभालने के लिए भी दे रखा है। वो भी बेचारी कल फ़ोन करके इतना रो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम उनको इतना ही समझाए कि आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम बताएंगे, हम मतलब जो भी हमसे जो हो सकेगा। उन्होंने बोला कि दीदी आप कैसे भी करके करवा दीजिए हमारा चैनल सही, जैसे आपका सही हुआ। हमने बोला आप टेंशन मत लो, हमसे जहाँ तक होगा हम वहाँ तक करेंगे, क्योंकि आज तक हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है ना, तो इसलिए भगवान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है किसी ना किसी के दौर पे। पहली बात तो विश्वास होना चाहिए, कोई भी हो पहले उसको तो विश्वास होना चाहिए किसी चीज का। तो जब अगला आदमी विश्वास करेगा नहीं तो भाई, अगर देखिए हमने किसी के साथ अगर धोखा की होती चाहे किसी के साथ हमने गलती करी होती ना, तो हमारे चैनल के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक लिखी हुई थी कि इसके चैनल पे स्ट्राइक दो, फिर इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, चैनल तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये बहुत सारा फंडा है, ये जो जैसे घड़ी होती है ना 12 बजे से धीरे 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 एक दो तीन चार फिर 12 पे आके रुक जाती है, सेम वही वाला हाल यूट्यूब पे होता है। और एक बात और आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैंने चैनल दिया था संभालने के लिए और एग्रीमेंट भी किया था, और वो चैनल मैं अब खुद देखभाल कर रहा हूँ। और आप लोग को लग रहा होगा कैसे कैसे नहीं, तो आपको बताएंगे, आपको वीडियो में बताएंगे, क्योंकि देखिए हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, हम इतना जानते हैं। और जो हमारे चैनल देखते हैं वो समझ लीजिए हमारे भगवान उस समय पे बन के आए हैं, ठीक है, हमारे लिए वो भगवान, हम उनको अपने भगवान का दर्जा देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा चैनल सेव किया। जो एक बोलते हैं ना कि एक बच्चे को पैदा जो करता है 9 महीने पाल के, 1 महीने से 9 महीने तक पेट मतलब निकलता है, डिलीवरी होती है, कितनी दिक्कत परेशान, सेम वैसे ही हमारा चैनल होता है कि हम बच्चे की तरह देखभाल करके उसको बड़ा करते हैं, और जब बड़ा कर देते हैं तो उसी पे हम जैसे ही बड़े क्रिएटर, हमारे जैसे ही वीडियो बनाने वाले बड़े क्रिएटर स्ट्राइक मराओ मराओ के उसको नीचे गिरवाते हैं कि कोई आगे ना बढ़ पाए। इस टॉपिक पे मैं आगे बात करूंगी, बाकी का दिमाग मैं तो पहले समझदारों को इशारा काफी होता है, आप सेफ रहिए, हम यही कहेंगे बस। मैं तो पहले दोस्तों ये सोच रहा था कि भलाई करो, हम यही सोचते हैं सब अपने हैं, सब अपने हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सब मुंह पे अपना दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे ऐसा छुरी मारते हैं ना कि आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि उन्होंने ही छुरी मारी है, ठीक है? लाठी भी बच जाए। तो इस मैटर पे अगले वीडियो में बात करेंगे, बस इतना ही कहेंगे इस वीडियो में। अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से नहा धो के तैयार होके चलते हैं। अमरनाथ और प्रिया की बात हो रही थी दोस्तों, और उस टॉपिक मैंने उसी टॉपिक पे बताया, अमरनाथ प्रिया के ही टॉपिक पे बात बताया कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कोई नहीं चाहता है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए कोई मामूली बात है? अब भाई 2 मिलियन हो रहे हैं धीरे धीरे, 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन, मालती विष्णु का संत कवि नगर में वही है मिलियन में, तो भाई कैसे आगे बढ़ सकते हैं, होना चाहिए कुछ ना कुछ प्रयुक्त। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते जिसके पास बात नहीं करेंगे, बस एक बात और कहना चाहते हैं, तक नहीं आएगी, एक बात और कहना चाहते हैं। अभी तो स्ट्राइक हम मार रहे थे तो सब लोग फोन करके बोल रहे थे कि भैया भाभी स्ट्राइक लग गया हटा दीजिए, हम तो हटा लिए अपना और हटा लिए, ठीक। अब फिर भी वो लोग वही काम कर रहे हैं, मेरा थंबनेल यूज कर रहे हैं, तो ठीक है थंबनेल यूज करो, इसके बाद अब रोते रोते आओगे ना वीडियो में, स्ट्राइक नहीं हटाऊंगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब कितना भी रोओगे हम लोग नहीं कुछ करेंगे। अभी तो चेतावनी दे रहे थे, बार बार बोले थे, और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। मैं देखा हूँ कल रात में मेरा थंबनेल, में मतलब अपना वीडियो पे देखा कि मतलब मेरे पे सब्सक्राइबर कितने आए हैं, इस वीडियो पे कितने मतलब व्यू गए हैं, कितने डॉलर बने हैं, सब कुछ देख रहे थे। तो उसमें देखे मतलब थंबनेल पे भी देखे तो थंबनेल मालूम है 36 लोग यूज किए थे मेरा थंबनेल खुद का। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग थंबनेल फोटो राधा का हैशटैग वीडियो डाउनलोड कुछ भी मत करिए, नहीं तो भाई अब बाद में रोएंगे तो हम कुछ अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब स्ट्राइक अगर मेरे चैनल से जाएगा तो आप लोग कितना भी फोन करके गिरगिराएंगे या राधा को कुछ भी समझेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं भाई बोल सकते हैं। स्ट्राइक फिर उसके बाद वापस ही नहीं लेंगे क्योंकि बार बार समझाते लेकिन समझ में नहीं आता। तैयार होके अपने दादी के घर से यहाँ तक ऑटो में आता है बड़े वाले भैया, ऑटो में इसको लाके यहाँ तक छोड़ के जाते हैं, पागल नहाया है देखो रखल बाटे। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही कहना था और हम लोग चल रहे हैं खलीलाबाद क्योंकि लेट हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो मेरा फुल देख रहे हैं लास्ट तक देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राधा दीदी चाहे राधा बहनी चाहे राधा जो भी आपको कहना हो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और ये नोट करके रखिएगा एक ना एक दिन ऐसे ही होगा, ठीक है।
तो चलिए तो आप लोग सतर्क रहे तो ये वीडियो को हो रहा है ढेर लंबा, उसके बाद उसके साथ समाप्त करते हैं, चलते हैं खलीलाबाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बाय बाय, नमस्कार।